हर किसी आईफोन यूजर को वेट होती है एक नए आईफोन की और एक जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके नेक्स्ट वर्जन की। तो रिसेंटली ही एप्पल ने अपने आईफोन यूजर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है जिसको लेकर सभी आईफोन यूजर्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। रिसेंटली ही हुए WWDC 2020 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में एप्पल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट वर्जन अनाउंस कर दिए हैं। जो नेक्स्ट वर्जन अपडेट्स है वो इनके सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हैं, जैसे कि आईफोन OS, आईपैड OS, वॉच OS, टीवी OS, मैक OS, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हम सिर्फ आईफोन OS की। तो इस वीडियो में मैं आपको इस इवेंट की पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ और साथ में बताऊंगा कि कौन सी डिवाइसेस को कब ये अपडेट मिलने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम इस वीडियो में टारगेट रखेंगे 40 लाइक्स का और आई होप कि आप पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो का टारगेट भी पूरा कर ही देंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं iOS 14 के डिटेल रिव्यू की तरफ, आइए देखते हैं। तो एप्पल ने स्टार्ट करी अपनी अनाउंसमेंट इस साल की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर अपडेट से, मतलब कि iOS 14 से। वीडियो में दिखाया गया कि आईफोन्स की जो होम स्क्रीन है वो काफ़ी सालों से सेम सी है, तो उन्होंने इस चीज़ को दोबारा से सोचा और चेंजेस करने को तैयार हो गए। देखा जाए तो एप्पल ने अपने फर्स्ट अपडेट से लेकर अभी तक होम स्क्रीन में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, बस कुछ स्मॉल फीचर्स जैसे फोल्डर्स और नए विजेट्स को ऐड करते रहे हैं टाइम टू टाइम। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी होम स्क्रीन का पूरा लेआउट ही चेंज कर दिया। एप्पल ने अपनी इस iOS 14 की अपडेट में होम स्क्रीन को दोबारा से डिजाइन किया है। यहाँ पर उन्होंने सबसे हाईलाइटेड जो फीचर रखा है वो है ऐप लाइब्रेरी, मीन्स अभी आपको बार बार स्क्रोल या स्वाइप करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐप लाइब्रेरी आपको खुद ब खुद एक कस्टमाइजेशन करके देगी जिसमें आपको एक ही पेज पर सभी एप्स मिल जाएंगी और उन सभी का एक अलग से फोल्डर बन जाएगा उनके वर्क के अकॉर्डिंग। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर आप अपने फोन में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार जैसी एंटरटेनमेंट वाली एप्स डाउनलोड की हुई हैं, देन ये ऑटोमेटिकली एक एंटरटेनमेंट नाम का फोल्डर क्रिएट कर देगा और उसमें आपके सभी एंटरटेनमेंट वाली एप्स जो है ना उनको रख देगा। सिमिलरली ये चीज आपकी बाकी की कैटेगरीज पर भी इंप्लीमेंट होती है, जैसे कि पेटीएम और गूगल पे के लिए ये फाइनेंस या पेमेंट का नाम का एक फोल्डर बना देगा और आपको ज़्यादा स्वाइप लेफ्ट या राइट नहीं करना पड़ेगा। तो देखा जाए ये बहुत ही अमेजिंग फीचर हो जाता है इस अपडेट का। यहाँ पर एप्पल ने जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज किया है तो वो किया है विजेट्स। पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई विजेट ऐड करना है, जैसे कि कोई म्यूजिक प्लेयर विजेट, देन उसके लिए आपको अलग से पेज होता था और हमें उन्हें एक्सेस करने के लिए उस पेज पर जाना पड़ता था। लेकिन इस बार एप्पल ने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जैसे कि अगर आपको अपडेटेड रहने की आदत है, जैसे कि मैं खुद न्यूज़ वगैरह की जो एप्स हैं उसे यूज़ करता रहता हूँ लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए, और मुझे अगर कोई न्यूज़ देखनी है तो मुझे ऐप जो है ओपन करनी पड़ेगी। लेकिन अभी iOS 14 में जो विजेट्स में चेंजेस हुए हैं ना, आप अपने फेवरेट विजेट होम स्क्रीन पर कहीं भी जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ पर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और पहले क्या होता था कि विजेट का जो साइज़ होता था वो वैसे ही रहता था जैसे आपको बाय डिफॉल्ट मिलता था, लेकिन इस बार आपको साइज़ कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन दिया गया है। मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग इसको होम स्क्रीन पर दूसरी एप्स के साथ कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं और आपको दूसरी एप्स के साथ साथ विजेट्स की भी अपडेट मिलती रहेगी। अगली जो शानदार अपडेट आई है iOS में वो आई है पिक्चर इन पिक्चर मोड। इस चीज़ का जो एप्पल यूजर्स हैं वो काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फाइनली ये मोड आपको iOS 14 में देखने को मिलने वाला है। ये जो मोड है एंड्रॉयड यूजर्स इसको ऑलरेडी यूज़ में ले रहे हैं लेकिन iOS में थोड़ी देरी से आया है। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो है, देन आप उस चलती वीडियो को मिनिमाइज कर सकते हैं और साथ में कोई भी दूसरा काम भी कर सकते हैं। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं, देन आप उसको बैकग्राउंड में भी चला सकते हैं। वीडियो का जो ऑडियो है वो चलता रहेगा लेकिन जो वीडियो है वो रुक जाएगी। तो ये भी बहुत ही कमाल का फीचर होने वाला है iOS यूजर्स के लिए। अभी बारी आती है सीरी की। एप्पल ने सीरी पर बहुत ज़्यादा वर्क करा है और काफ़ी चीज़ें इसमें इम्प्रूव भी की हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, जब आप सीरी ओपन करते थे देन सीरी पूरी स्क्रीन जो है वो कवर कर लेता था
और मुझे ये पर्सनली थोड़ा सा अनोइंग भी लगता था, लेकिन अभी एप्पल ने इसमें सुधार किया है और चीजों को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। मतलब कि अभी जब आप सीरी ओपन करेंगे देन उसका एक छोटा सा आइकन आपके आईफोन की स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से में आ जाएगा और अकॉर्डिंग टू एप्पल सीरी में आपको 20 गुना ज्यादा फैक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। और अभी जो सीरी है वो वॉइस मैसेजेस सेंड करने के भी कैपेबल हो गया है। मीन्स अभी आप सीरी को बोल सकते हैं वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड करने के लिए। ऑफ कोर्स जो स्पीच वगैरह है वो तो आपको खुद ही बोलनी पड़ेगी, सीरी बस उसे रिकॉर्ड करके सेंड करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो अपडेट है एप्पल ने वो की है ट्रांसलेट में। मीन्स एप्पल ने जो ऐप तैयार की थी ट्रांसलेशन के लिए उसको आप अभी यूज कर सकते हैं। और ये जो ऐप है ये बेस्ड होगी न्यूरल इंजन पर, तो इसका जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज्यादा फास्ट रहने वाला है और सिक्योर भी, क्योंकि जो भी आप इसमें ट्रांसलेट करेंगे ना वो विद इन द फोन ही रहेगा। मीन्स यहाँ पर ये किसी भी थर्ड पार्टी सर्वर या ऐप की हेल्प नहीं लेगा और जो भी आप ट्रांसलेट करेंगे वो आपके फोन के अंदर ही स्टोर रहेगा। नेक्स्ट जो चेंज है वो एप्पल ने किया है आई मैसेजेस में। ये जो अपडेट है मुझे कोई ज्यादा खास नहीं लगी। इसमें अभी आप कोई भी कन्वर्सेशन को पिन कर रख सकते हैं और जब भी उस पर्सन का आपको मैसेज आएगा ना देन आपको आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आ जाएगा। और ये जो चीज़ें ऑलरेडी दूसरी ऐप्स में जैसे कि फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप में ऑलरेडी एडेड हैं। और इसी के साथ ही एप्पल ने नेक्स्ट चेंज किया है मेमोजी में, जिसमें आप COVID-19 की अवेयरनेस फैलाने के लिए मास्क वाले मेमोजी बनाए हैं और साथ में काफी सारे न्यू मेमोजी भी ऐड किए हैं एज बेस्ड पर। अभी हम बात कर लेते हैं मैप्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है एप्पल मैप्स इंडिया में ऑलरेडी आ चुके हैं और सभी एप्पल यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं। इसमें एप्पल ने काफी चीजें इंट्रोड्यूस की हैं जैसे कि स्ट्रीट व्यू, साइकिलिंग फीचर, ईवी राउटिंग जैसे नई चीजों को ऐड किया गया है। साइकिलिंग फीचर जो है वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा, अभी सिर्फ 2 कंट्रीज तक ही सीमित रहेगा, यूएसए और चाइना में। और जो ईवी राउटिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए ऐड की गई है, मतलब कि ये साइकिलिंग की तरह व्हीकल्स को भी अलग से रूट डिस्प्ले करेगी। यहाँ पर जो मुझे सबसे शानदार बात लगी ना वो लगी ऐप क्लिप्स की। ऐप क्लिप्स जो है वो एक नया फीचर ऐड किया गया है ऐप स्टोर में। अगर आप कहीं गए हैं शॉपिंग करने के लिए या किसी फूड आउटलेट पर कुछ खाने के लिए और अगर आपके पास उनकी ऐप नहीं है पेमेंट करने के लिए देन आप इस ऐप की हेल्प से उनकी जो ऐप है ना वो इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं और एप्पल पे या किसी और पेमेंट मेथड की हेल्प से आप उनको पेमेंट भी कर सकते हैं। और ये जो चीज है ना ये काफी अमेजिंग होने वाली है। अगर आपने किसी ऐप को जरूरी यूज करना है और उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा है देन आप ऐप क्लिप्स की हेल्प से उसको लेस देन 10 MB के साइज में डाउनलोड भी कर सकते हैं और इमीडिएटली यूज में ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं iOS 14 के लॉन्च डेट की। बात करें लॉन्च डेट की देन एप्पल ने WWDC 2020 अनाउंसमेंट में इसकी डेट तो नहीं बताई, लेकिन एज एक्सपेक्टेड हर साल की तरह इस साल भी ये जो अपडेट हमें 14 से 18 सितंबर के बीच में देखने को मिल सकती है। अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आईफोन्स को ये अपडेट देखने को मिलने वाली है। आईफोन्स के जो मॉडल की जो लिस्ट है वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे तो देखा जाए एप्पल ने काफी चीजों में सुधार किया है और ओवरऑल काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट्स भी की है, जैसे कि पिक्चर इन पिक्चर मोड जो कि एंड्रॉइड यूजर्स को काफी टाइम पहले देखने को मिल गया था वो iOS में हमें अभी देखने को मिलेगा। ऐसी कई छोटी छोटी चीजें एप्पल ने इम्प्रूव की है। बाकी आपको कौन सा फीचर ज्यादा अच्छा लगा हमें ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरा अगर आपको कोई फीचर यूजलेस भी लगा ना देन वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो ये थी पूरी डिटेल्स WWDC 2020 की अनाउंसमेंट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस भी लाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसी तरह मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे हेल्थी।